आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। चूंकि इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 से पार्ट 5 में बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके मेरे उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये कहते हैं कि तीन क्रमागत बट्टे, यानी एक बार क्या 30% की छूट दी गई, फिर एक बार 20% की छूट दी गई, और एक बार क्या 5% की छूट दी गई। अगर ये तीनों छूट मिलाकर किस छूट के बराबर होगी, यानी तीनों छूट को अगर मिला दिया जाए तो किस छूट के बराबर होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लें कि ये कोई दुकानदार है, इसने शर्ट एक शर्ट के ऊपर क्या कर दिया, शर्ट कितने 1000 रुपए का है, इसने क्या कर शर्ट के ऊपर क्या 75% को ऑफ करके दिखा दिया हमको। जबकि दूसरे दुकानदार ने क्या, मान लें एक दूसरा दुकानदार है, ये भी शर्ट के ऊपर क्या, इसका भी शर्ट दाम कितना 1000 रुपए है, मान लें इसका भी, इसने भी शर्ट के ऊपर क्या कर दिया है 50% ऑफ दिखा दिया, फिर 50% ऑफ दिखा दिया। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए, यानी कि यहाँ पे जो दोनों छूट वो बराबर है, कहने का मतलब इसने क्या 1000 रुपए कितने 75% की छूट दे रहा, और ये क्या कर रहा है 50 प्लस 50, ये तो हमको फ्री में शर्ट तो देगा नहीं। इसने किया क्या कि पहले जो भी शर्ट के ऊपर क्या कर रहा है 50% की छूट दे रहा, फिर 50% उस पर छूट दे रहा है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, कहने का मतलब ये है कि कैसे, तो देखा जाए, अगर मान ले जो भी शर्ट का दाम होगा, दाम है ये अपने आप में 100% है कि नहीं है, 100% है, इसमें से क्या किया गया 75% छूट दे दिया गया, तो दाम कितने का लिया गया, केवल 25% का लिया गया कि नहीं लिया गया, 25% का ही तो दाम लिया गया ना। आप डायरेक्ट इसका 25% निकालिए, आप डायरेक्ट इसका पता चलेगा शर्ट कितने में बिकी, बटा 100% हटाएंगे, बटा 100 देगा ये कितने, अर्थात इसने शर्ट कितने रुपए में बेची, 250 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। यहां देख लीजिए जरा, इसने भी क्या किया, यानी कि 1000 रुपए पहले कितने छूट दे रहा है, 50% की छूट दे रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा ना 1000 का, 50% छूट मतलब आधा हो जाएगा, कितना होगा हमारा 500 रुपए। फिर क्या किया, एक बार तो छूट दे दिया इसने, अब फिर 500 पे क्या करेगा, फिर 50% छूट देगा, तो फिर 50% छूट देगा मतलब इसका आधा, तो शर्ट कितने में इसने बेचा होगा, 250 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं 50% प्लस 50% किस समतुल्य बट्टा के बराबर है, जो अभी नीचे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, अगर ये तीनों बट्टा मिला दिया जाए तो किस समतुल्य बट्टा के बराबर है ना, वही चीज यहाँ भी है। अगर मैं कह दूं 50% प्लस 50% किस समतुल्य बट्टा के बराबर है, तो वो हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा 75% के बराबर, या फिर हम परसेंटेज के नियम से भी जान सकते हैं। परसेंटेज का नियम ये है, मैंने अपने परसेंटेज के नियम में बताया था, पार्ट टू में बताया रहा होगा। देखिए ये नहीं है, जब दोनों भी हम, यानी यहाँ जब छूट दे रहा है 50% 50%, यानी दोनों तरफ से इससे हानि हो रही कि नहीं हो रही, मैंने इसके लिए ये बताया था कि जैसे ही कोई आयत है, इसकी बीमा ये वाली क्या कर दे, घटा दी जाए, और ये वाली भी घटा दी, तो इसका क्षेत्र पहले से क्या हो, घट जाएगी नहीं घट जाएगा, ये पहले, सॉरी यहां से देख लें, ये मान लीजिए कोई बड़ा सा आयत रहा होगा, पहले इसकी क्या कर दी मैंने, बीमा ये वाली छोटी कर दी, और ये वाली भी बीमा छोटी कर दी, तो ऐसे में इसका क्षेत्र पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगी नहीं घट जाएगा, यानी यहाँ भी इसको क्या है, दोनों तरफ से छूट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके लिए फॉर्मूले आता है, प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज का नियम से फॉर्मूले से, अगर यहां से भी लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा हमको, ये अगर ये 50 प्लस 50 करेंगे तो आपको 75% मिलेगा, मतलब ए का काम हमारा ये करेगा और बी का काम हमारा ये करेगा। आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिएगा, हमको यही मिलेगा 75%। देखिए कैसे, 50 प्लस 50 माइनस 50 बटा 100, 0 से 0 इसका कट गया, यहाँ से ये 100 देगा और ये कितना हमारा देगा, 25 देगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 25 देगा, 100 में से 25 घटाएंगे आपको कितना देगा, ये 75% देगा कि नहीं देगा। तो वही चीज है, चाहे आप ऐसे लगाइए या परसेंटेज के नियम से लगा लीजिए, तो परसेंटेज के नियम से हम लगाएंगे बाकी जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसने मान लेकर ये ए है और ये बी है, तो प्रतिशत कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी बराबर मैंने फॉर्मूले ऊपर लिखा था ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज का नियम है।
यहां से आप रख के यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो 30 + 20 - 30 × 20 / 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो से कट गया, इसको आप जोड़ेंगे कितना 50 देगा और इसको गुणा करेंगे 6 देगा, यानी कि 50 में ये माइनस देगा नीचे, इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 44%। अब इसका क्या करेंगे, इसका फिर एक बार कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाएंगे, यानी ये ए का काम करेगा और ये हमारा बी का काम करेगा। देखिए 44 + 5 - 44 × 5/100, इसका गुणा करिए कितना 4 × 5 = 20 × 4 = 20 = 22। ये देख रहे 0 0 कट गया, जब इसको भाग देंगे कितनी बार, यानी ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ यू मिल जाएगा 2.2 मिलेगा। इसको जोड़िए आप कितना मिलेगा 49, इसको आप घटाएंगे 49 में से 2.2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 46.8%। ये इसका क्या गया हमारा, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये किस संतुल्य बट्टे के बराबर है तीनों, तो वो ये 46.8 के क्या है, ये संतुल्य बट्टे के बराबर है। जब भी कहेंगे ये संतुल्य बट्टे की बात आएगी तो आप डायरेक्ट इसके हिसाब से आप लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, कह रहा है जो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी मूल्य में बेची जा रही है तो उसके 25% के बराबर क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपए, माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य के क्या, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर लाभ पूछा है तो कितना हो रहा है इसका 25% लाभ हो रहा है कि नहीं, इसका 25% हमको देगा कितना 25 ही रुपए देगा कि नहीं देगा। अगर ये देखा जाए इतने रुपए में कोई वस्तु इतने रुपए में जब बेच रहे हैं तो इसे इतने रुपए का लाभ है, हम उसे खरीद कर लाए कितने रुपए, अगर ये पता करना हो तो आप इसको इसमें से घटाइए तो हमको पता चले कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, यानी 75 रुपए वो क्या कही गई थी, खरीदी गई थी। फॉर्मूले यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि लाभ बराबर ऐसे करेंगे, लाभ रखेंगे और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर यहाँ पे कर सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे, आपको हमको मिलेगा क्या क्रय मूल्य पता चलेगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया, यानी कि ये हमारा क्या पता चल गया, ये हमारा क्रय मूल्य पता चल गया। अब हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, तो प्रतिशत का लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा होता क्या है, चूंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट में मैंने बताया था प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, यहां से आप लगा सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ कितने का ले रहा है ये 25 रुपए का, तो 25 / क्रय मूल्य कितना 75 रुपए और इंटू 100, तो 25 × 3 = 75, 3 से आप इसको भाग 3 × 3 = 9, 1 = 3 × 9 और एक हमारा भाग जाएगा नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, 1 / 3 से भाग जाएगा नहीं, हम छोड़ देंगे इसको, हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वो यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य इसका दिया कितना है, विक्रय मूल्य 39 दर्जन दिया इन्होंने, कह रहा है इसको लाभ कितना हो रहा है, 13 दर्जन का लाभ हो रहा है। अगर ये पूछा जाए उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो आप क्या कर देंगे लाभ में से क्या कर देंगे इसको, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ आप घटा देंगे तो हमको पता क्या चल जाएगा, क्रय मूल्य अर्थात 26 दर्जन ये क्या रहा होगा, इसका क्रय मूल्य इतने खरीद के लाया रहा होगा। हमसे जानना क्या चाह रहे हैं उसका प्रतिशत लाभ, तो हमको तो लाभ पता है कितने दर्जन का लाभ हो रहा है, 13 दर्जन का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको इससे जानना चाह रहे कि प्रतिशत में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर करेंगे क्या, हम फॉर्मूले मैंने अभी बताया प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100, तो लाभ ये हो रहा है 13, क्रय मूल्य क्या है यही क्रय मूल्य ना हमारा ये है, तो बटे 26 और प्रतिशत में करने के लिए 13 × 26 इसको काटेंगे आप कितना, अर्थात कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, सॉरी यदि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है, हम कौन सा ऑप्शन सही, हमारा डी ऑप्शन सही।